हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड इस यूट्यूब चैनल का नाम है पढ़ाकू जंक्शन। बिफोर आई स्टार्ट द लेक्चर आई शुड इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। सो माय नेम इज सीए पायल बल्होत्रा। एंड यू नो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज का सिलेबस डिस्कस किया था, जिसमें हमने यू नो बाइफर्केशंस देखे थे कि फर्स्ट टर्म में क्या आएगा, देन फाइनली क्या आएगा, एंड मार्क्स कैसे एलोकेट होंगे, एंड एक बेसिक डिस्कशन काइंड ऑफ यू नो हेलीकॉप्टर व्यू जिसे बोलते हैं, कि यू नो हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे देख लिया कि अच्छा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस तो ये है। तो आज हम लोग यू नो डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग चलेंगे। तो अभी आज मैं आपका चैप्टर 1 पिकअप कर रही हूँ। एंड यू नो मेरा मानना है कि ज्यादा लॉन्ग वीडियोज नहीं बनानी होती, सिंपल अपना मैं 20-20 मिनट 25-25 मिनट की वीडियोज आपके लिए डालूंगी एंड पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, ताकि आपको भी रिटेन करने में वो चीज हेल्पफुल हो। तो आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस ओवरव्यू मैंने आपको दिया था, आज हम चैप्टर 1 ऑफ बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11 डिस्कस करने वाले हैं। एंड यू नो मैंने आपको पहले ही बताया था, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ना आप सब लोग बिजनेस के इर्द गिर्द घूमोगे, आप बिजनेस के बारे में नॉलेज गेन करोगे, व्हाट आर द टाइप्स, व्हाट आर द बिजनेस रिस्क, दीज आर द सम यू नो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बट बहुत डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं। तो गाइज, चैप्टर 1 जो है आपका बीएसटी का 11th क्लास का, उसका नाम है एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस। अब गाइस आप खुद बताइए, एवोल्यूशन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि बिजनेस कब कैसे एमर्ज हुआ, कैसे वो यू नो एक ही कॉन्सेप्ट कब आया, यू नो कैसे लोगों के माइंड में, दैट इज एवोल्यूशन, कैसे वो इवॉल्व हुआ। एंड देन वी हैव यू नो फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस, यानी कि इस चैप्टर में हम काइंड ऑफ बेसिक्स कवर करेंगे बिजनेस के। ओके, बिजनेस का मतलब समझेंगे, अलग अलग ऑथर ने क्या डेफिनेशंस दी है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, यू नो ये सब डिस्कशन करने से पहले हम चलते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज पे। यू नो देखो, आप सबको दिख रहा होगा सबसे पहला नोट है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज क्या है, हम सब एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, आई एम टीचिंग यू दैट इज अ माइंड ह्यूमन एक्टिविटी। सो एनी एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय ह्यूमन टू फुलफिल हिज रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ रहे हैं, यू नो कुछ लोग मंदिर में एज अ पुजारी काम कर रहे हैं, पुजारी वो मंदिर की सेवा करते हैं, कुछ लोग सोशल वर्कर्स हैं, कुछ लोग यू नो आपके पापा ऑफिस जाते होंगे, यू नो दे आर अर्निंग सैलरीज, कुछ लोगों के यू नो आपके घर में यू नो पापा मम्मी का बिजनेस होगा, या फिर हो सकता है कि आपके पापा भी सीए हो, उनका सीए ऑफिस हो, सीए फर्म हो। तो हर कोई यू नो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ ना कुछ काम कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। अब इन जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए ह्यूमन एक्टिविटीज के, इन सब में इसको मैं 2 में क्लासिफाई कर सकती हूँ। मैंने जितनी भी एक्टिविटीज आपको बताई, फॉर एग्जांपल योर फादर इज अर्निंग सैलरी इज गोइंग टू ऑफिस है, आपके पापा का बिजनेस है, या फिर आपकी मम्मा टेलर है, जितनी भी एक्टिविटीज मैंने बताई, कोई मंदिर में एज अ पुजारी है, कोई चर्च में एज अ यू नो पास्टर है, तो ये सारी एक्टिविटीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फर्स्ट इज वी हैव इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द अदर थिंग वी हैव नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसमें फर्क क्या है, यू नो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड जस्ट टू अर्न मनी। ओके, दोज एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड विद द मोटिव टू अर्न मनी। अब जो भी एक्टिविटीज मैंने आपको बताई, आप खुद सोचो कि जिन भी एक्टिविटीज को फॉर एग्जाम्पल पैसे के लिए किया जा रहा है, मनी अर्न करने के लिए किया जा रहा है, रेम्यूनरेशन अर्न करने के लिए किया जा रहा है, दैट विल बी क्लासिफाइड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब आप खुद सोचो, मैंने बोला था पापा सैलरी अर्न करते हैं, ऑफिस में जाता है, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर श्योर। सेकेंड आप देखिए, मैंने बोला पापा का बिजनेस है, यानी वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लॉस भी हो सकता है, नो वरीज, बट यू नो मोटिव क्या है बंदे को उस एक्टिविटीज को करने के लिए, दैट मैटर्स। तो बिजनेस चला रहे हैं हम लोग या आपके पापा, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके,
मैं कहीं पे पढ़ाने जाती हूँ स्टूडेंट्स को, दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने और एग्जाम्पल दिया था कि आपके पापा भी सी ए सी ऑफिस है, दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ही इज अर्निंग मनी थ्रू हिज ऑफिस. ओके, अब मैंने बोला कि कोई सोशल वर्कर है, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? क्या उसका मेन मोटिव पैसा कमाना है? नहीं, उसका मोटिव यू नो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन है, वट एवर इज कॉलिंग और एनीथिंग. तो उसके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए यू नो अपने सोल सेटिस्फेक्शन के लिए, वट एवर यू कॉल साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए बंदा उस एक्टिविटी कर रहा है. यू आर हेल्पिंग यू नो, आप लोग कभी क्रॉस कर रहे थे कोचिंग सेंटर से निकले एंड यू सो अ बैगर या फिर उसका हाथ पैर नहीं, देन यू वर लाइक यू नो आपको दया आई एंड यू गेव देम 50 rupees, और आप उसके लिए कोई सामान लेके आए या कुछ खरीद के लाए, दैट इज यू नो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. योर मोटिव इज नॉट टू अर्न मनी, ना उससे पैसे लेने का आपका मोटिव नहीं है. योर मोटिव इज योर फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन, जो भी आपको अच्छा लगा उस टाइम पे करना, सो दैट आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जैसे मैंने बोला था चर्च में पास्टर है, हिज मोटिव इज नॉट टू अर्न मनी, हिज मोटिव इज टू स्प्रेड यू नो रिलीजन, लोगों को भगवान से कनेक्ट करना, दैट इज हिज मोटिव. चर्च में पास्टर है, मंदिर में यू नो पुजारी है, इन सब का मोटिव पैसा कमाना नहीं है. दैट हिज मोटिव, रियल मोटिव इज टू तो लोगों को गॉड से कनेक्ट कराना है ना, तो दैट विल बी क्लासिफाइड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो फटाफट देखो, ह्यूमन एक्टिविटीज को दो में क्लासिफाई कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? दोज एक्टिविटीज हूज मोटिव इज टू अर्न मनी, जो इसीलिए परफॉर्म की जा सकती है ताकि वी कैन हैव मनी. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? दोज एक्टिविटीज या फिर दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. अभी डिटेल में मीनिंग्स मैंने लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे. आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है? एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हैं. अब देखो, मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स बताए थे. इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी जो होती है ना, उसको तीन में क्लासीफाई कर सकते हैं. जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है हम उसको तीन में क्लासीफाई कर सकते हैं. वो तीन क्या है? मैंने बोला आपके पापा का बिजनेस है, किसी का फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रेडर होगा. ट्रेडर क्या होता है? यहाँ से सामान खरीदा, अपना प्रॉफिट ऐड किया, आगे सेल कर दिया, दैट इज अ ट्रेडर. कोई मैन्युफैक्चरर होगा, मैन्युफैक्चरर क्या होता है? वो रॉ मटेरियल लेके आता है अलग अलग जगह से एंड उसको वो एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है एंड देन आगे सेल करता है, ही इज अ मैन्युफैक्चरर. कोई यू नो इंश्योरेंस का बिजनेस है, बैंकिंग है, दीज आर व्हाट वी कॉल, दीज आर बिजनेस है ना. रिलायंस लिमिटेड बिजनेस है उनका, इन्फोसिस का आईटी का बिजनेस है. तो बिजनेस आप समझते हो, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे अलग अलग ऑथर ने क्या दी है, और हम मीनिंग्स भी पढ़ेंगे, सिंपल मीनिंग यू नो हार्ड मीनिंग सब पढ़ने वाले हम लोग. तो बिजनेस आपको समझ आ गया होगा, जैसे एग्जाम्पल भी दिए, बाइंग एंड सेलिंग ट्रेडिंग का बिजनेस है, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, बैंकिंग, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस. मैंने बोला आपके पापा बिजनेस है, आप खुद कनेक्ट कर सकते हो अपने घर पे, आप इन सब चीजों को नोट करना. जो काम आपके पापा मम्मी करते हैं आप उसको बिजनेस में क्लासीफाई करोगे, प्रोफेशन में क्लासीफाई करोगे. पहले तो आपको ये देखना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्लासीफाई हो रहा है कि नहीं. मे बी कुछ लोगों के पापा पुजारी भी हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, या फिर सोशल वर्कर है, एनजीओ स्कॉलर की, तो दैट विल बी क्लासीफाइड अंडर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. पहले ये क्लासिफिकेशन देखना, फिर उसके बाद देखना कि जो भी आपके पापा इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फॉल करते हैं तो उसको आप बिजनेस में करोगे, प्रोफेशन में करोगे या फिर एम्प्लॉयमेंट में करोगे, ठीक है? बिजनेस मैंने आपको बता दिया. नाउ व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन इज यू नो एक प्रोफेशनल किसे बोला जाता है? जो एक स्पेशल स्किल एंड नॉलेज को एक्वायर करता है, सोसाइटी को उसको सर्विसेज रेंडर करता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोफेशनल. ये एक प्रोफेशन. फॉर एग्जांपल, आई एम अ सीए, आई विल बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल, है ना. सीए इज माय प्रोफेशन, ठीक है. अगर कोई डॉक्टर है तो उसने एमबीबीएस किया, ही इज अ प्रोफेशनल डॉक्टर. ओके, तो प्रोफेशन इज समथिंग दैट यू हैव सम स्पेशल स्किल एंड नॉलेज. तो उससे अगर मैं बीइंग अ सीए, मेरा ऑफिस है, जब मैं अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज रेंडर करती हूँ, दैट आई रिसीव फ्रॉम देम प्रोफेशनल फीस, तो दैट इज माई प्रोफेशन. तो अगर सीए की बात करेंगे, वो कहाँ फॉल होगा? प्रोफेशन में. और एक अगर आपके पापा या मम्मी लॉयर है, प्रोफेशन में आएगा, क्योंकि उन्होंने स्पेशल नॉलेज स्किल एक्वायर की है. बिजनेस में वो जरूरी नहीं है कि आप स्पेशल पहले पढ़ के आओ, एग्जाम पास करते हो, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नहीं ना. प्रोफेशन में ये सब चीजें होती है, ट्रेनिंग में मैंडेटरी होती है, क्वालिफिकेशन मैंडेटरी होती है,
स्पेशल नॉलेज एंड स्किल अपग्रेड होना, ये सब जरूरी होता है। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको दिए है, जैसे लो हो सकता है, लॉयर मेडिकल का हो सकता है, HCA का हो सकता है, एंड मैनी मोर। नाउ द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब तो आप जानते हो, नौकरी है ना, किसी और के लिए काम करना, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। वो बीइंग अ मैनेजर हो सकता है, बीइंग अ सुपरवाइजर हो सकता है, बीइंग अ वर्कर हो सकता है ना। एज अ वर्कर आप काम कर रहे हैं, या फिर यू नो आपके पापा सुपरवाइजर है किसी ऑफिस में, फैक्ट्री में, या फिर मैनेजर है, CEO है, यानी यू आर वर्किंग फॉर अदर्स इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे, दैट वुमेन एक्टिविटीज कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं बार बार इतना रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आप इस वीडियो को देख के ना आपके माइंड में बस छप जाए, यू नो बार बार आप बस आपको क्या करना है ना, वीडियो को देखा, ये नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगी, लिंक भी दूंगी, तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे। मैं बार बार रिपीट ऑलरेडी कर रही हूँ, यानी आपके माइंड में बार बार चीज प्रोसेस हो रही है। Now, after watching this video, you have to just close your eyes and सारा वो remember करना है, notes को go through करने के बाद कि क्या क्या पढ़ाया है, वो points क्या क्या थे, क्योंकि देखो business में marks gain करने के लिए आपको points remember रखने पड़ेंगे। एक अच्छा you know presentation कैसे होता है, आपकी English को भी आपको काम करना पड़ेगा, multiple things to perform in examination, और अदर यू नो अदर एडवांटेज मैंने आपको बताया था, आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा बिजनेस का, विच इज वेरी वेरी मैंडेटरी फॉर एवरीवन आई थिंक। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया, अब आता है यू नो मैंने वही, अब हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा फिर से पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज में ऑलमोस्ट पढ़ा चुकी हूँ आपको, बट स्टिल वी विल रिपीट। सो ह्यूमन एक्टिविटी इज यू नो एनी एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बींग परफॉर्म्स टू मीट हिज रिक्वायरमेंट is called what? Human activity, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये अब मैंने बताया था, पैसे कमाने के लिए भी हो सकता है, या फिर mental satisfaction के लिए भी आप perform कर सकते हो। इसी के basis पे हम जो human activities होती है इनको दो में classify कर सकते हैं, first is economic activities and second is non-economic activities, ये हम cover कर चुके हैं। अब economic activities क्या होता है, it refers to that activity which is undertaken with the objective या फिर motive of earning money, यानी any activity जिसका you know आप इसलिए perform कर रहे हो so that you can have money is called economic activity। and economic activity को मैंने बताया, कोई भी economic activity है वो इन तीन categories में fall कर सकती है, किसी भी एक category में उसको आप classify कर सकते हो, maybe it is a business, maybe it is a profession or either employment। अब आता है business, business अब भी ऐसे हमने discuss किया था, बिजनेस आप यू नो कुछ भी आप लगाते हो किसी वर्ड के साथ, बिजनेस काइंड ऑफ अ बिजीनेस, यानी कि यू आर बिजी इन एनीथिंग, है ना। सॉरी, देखो बिजनेस मतलब आप किस चीज में बिजी हो, बिजी रेगुलर बेसिस पे हो। इसमें तीन पॉइंट्स या तीन वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए हैं, क्योंकि अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी मैं इसको एज अ बिजनेस बोल सकती हूँ। सो इट रेफर्स टू एनी you know occupation in which people regularly engage in an activity with a view to earn profit। sabse pehle occupation aap bol sakte kind of activity, economic activity kar rahe ho, aur kis basis pe kar rahe ho, regular karna hai aapko। ab for example main aapko example deti hu, aapki old you know cycle thi ranger wali, wo aapne bech di, आपको नई में आपकी वो 2000 रुपए चली गई, आप क्या साइकिल का बिजनेस करते हो क्या, नहीं ना, वो आपकी पुरानी होगी, फिर आपको नई ले ली थी, आपने पुरानी निकाल दी कबाड़ी वाले के हाथ, है ना। दिस इज नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, तो वो पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन आपने किया, जो पर्टिकुलर ह्यूमन एक्टिविटी आपने की विद द मोटिव टू अर्न प्रॉफिट तो था, बट इट इज नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, सो आई कैन नॉट क्लासीफाई दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी as you know, मैं इसको as a business classify नहीं कर सकती, because it does not satisfy the condition of being regular, ठीक है। तीसरी major condition मैंने आपको बताया था, economic activity जहाँ है वहाँ profit, वहाँ पैसा जरूरी है, but business में हमारा motive होता है profit कमाना, कि भाई मेरा ज़्यादा ज़्यादा profit बढ़े, did you get my point? next is we have profession, profession मैंने बताया सबसे पहले तो economic activity का ये एक part है, ये तो भैया जरूरी है ही है ही, which is conducted by a person, person conduct करता है, having some special knowledge and skill, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया,
एक इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बंदा परफॉर्म कर रहा है जिसके पास कोई स्पेशल नॉलेज एंड स्किल है विच इज यूज इम्पार्शियली टू सर्व द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी. सिंपल प्रोफेशन मतलब यू नो प्रोफेशन आपको खुद समझ आता है कि द मोटिव टू अर्न प्रोफेशनल फीस. कैसे जिसके पास वो स्पेशल नॉलेज एंड स्किल है उसको भी यूज करके ही विल अर्न हिज प्रोफेशनल फीस. बीइंग अ सीए आई एम यू नो डीलिंग विद द क्लाइंट्स आई एम प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट. आपको ये बड़ी अजीब लग रहा होगा बैलेंस शीट धीरे धीरे आप अकाउंट्स है सब पढ़ने वाले डोंट वरी. तो ये सब चीजें यू नो सीए प्रैक्टिस करता है. मेडिकल यू नो डॉक्टर अपना ऑफिस खोल के बैठा है अपनी शॉप खोल के बैठा है. एक लॉयर यू नो अपना या फिर एक कोर्ट में जाके बैठता है. दैट इज व्हाट वी हैव इज कॉल्ड प्रोफेशनल दैट इज प्रोफेशन. नेक्स्ट एंड लास्ट इज वी हैव एम्प्लॉयमेंट. थर्ड कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी थर्ड क्लासिफिकेशन इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट में पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होता है बंदे के साथ जिसके अंदर आप काम कर रहे हो. इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है आप ना दूसरों के लिए काम करते हो. तो इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन वर्क्स फॉर अदर्स इन लियू ऑफ रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का दूसरा मतलब होता है सैलरी. मतलब सैलरी को अर्न करने के लिए यू आर वर्किंग फॉर अदर्स इन लियू ऑफ. मतलब क्या होगा अगर आपको नहीं पता तो आई एम टेलिंग यू इन रिटर्न ऑफ योर सैलरी. तो कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप अपने आप को यू नो आप काम करते दूसरों के लिए. किस लिए काम करते? टू अर्न द सैलरी और टू अर्न द रेम्यूनरेशन. जैसे वर्किंग इन फैक्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफिस और वट एवर यू कॉल इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट. लास्ट मैंने आपको बताया था सेकेंड क्लासिफिकेशन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज का दैट इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और ये वो एक्टिविटीज होती है इट रेफर्स टू यू नो दैट एक्टिविटी विच इज अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाट गेटिंग मेंटल और साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. कोई मंदिर में पुजारी है डूइंग फॉर हिज मेंटल सेटिस्फेक्शन कॉलिंग है ना. तो आप किसी की हेल्प कर रहे हो आपका रिजल्ट अच्छा आया आप मिठाई का डब्बा लेके आए पैसा मिठाई की बांट रहे हो लोगों को मिठाई दे के रिश्तेदारों को पैसा कमाने का है कि आपका मिठाई का बिजनेस थोड़ी है. या आप अपने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए यू नो यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर हैप्पीनेस यू आर शेयरिंग योर हैप्पीनेस विद अदर्स दैट व्हाट वी कॉल इट इट दिस इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो गाइस आई होप ये सब चीजें ना आपको समझ आई होगी एंड ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे वन बाय वन. एंड कल मैं इसका पार्ट टू लेके आऊंगी जल्दी. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग. और आपको अगर पसंद आए तो डू सब्सक्राइब लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट टू अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो. थैंक यू एवरीवन.